आज हम इंडिया के 4 डिफरेंट स्किन बेचने वाले को कंपेयर करेंगे। बेसिकली हर वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, ड्यूरेबिलिटी के हद जानने के लिए 3 मंथ कंटिन्यूस यूज करेंगे इन 4 डिफरेंट फोन्स में। बट प्रॉब्लम ये कि मेरे पास 4 फोन नहीं है। अच्छा भाई, फ्री स्किन लगा लेगा फोन में यार अपने? भाई मैं लगाने लिए तैयार हूँ, लेकिन फोन थोड़ा भी पैसे तो मिलेगा, अच्छे से यूज करियो। तो आओ आज फुली डायग्नोस करते हैं स्किन्स को, आओ मोबाइल स्किन्स को। स्टार्टिंग विद सबसे पहली चीज, क्या और क्यों होते हैं स्किन्स? देखो, क्या का तो ऐसा एक प्यारा सा डिजाइन, एक विनाइल शीट काइंड हल्के में बताऊं तो टेप के ऊपर चिपका होता है। उसको आपके फोन के परफेक्ट साइज के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है, तैयार हो गया आपके फोन के लिए कपड़े। और अब क्यों का सीन ये है कि इसके अपने फायदे हैं सुंदरता के अलावा, और घाटे भी है कंपेयर टू केसेस एंड कवर्स। पर्सनली फेल्ट इट। आएंगे केसेस और स्किन्स के ऊपर भी, बट पहले बात करते हैं खरीदना कहाँ से। इंडिया में मेजरली 5 जगह स्किन्स मिलती है। सबसे पहले तो आपके नियर बाय मार्केट में कोई भैया भेज रहे होंगे, बाकी अगर वो दुकान दूर है या डिजाइन पसंद नहीं आ रहे तो आपको ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो कंपैरिजन के लिए हमने 3 महीने पहले सभी के दरवाजे खटखटाए। सो नया साल है, सोचा 4 दोस्तों को मोबाइल स्किन्स गिफ्ट करें। कौन सा फोन है तेरा? Realme 9 Pro Plus। ये स्किन की अवेलेबिलिटी का चार्ट है, रैप कार्ड डन। वेबसाइट का लुक थोड़ा पर्सनली मुझे कम अच्छा लगा, इवन फोन के मॉकअप्स भी नहीं है, बट डिवाइस सपोर्ट का ऑप्शन काफी ज्यादा है और डिजाइन भी अच्छे है। हमें ये भाया, रैप कार्ड डन। फोन कौन सा है तेरा? iPhone 12। देखो ये है आईफोन की असली मजे, हर जगह पे टिक। लेयर्स डन करते हैं। वेबसाइट काफी मिनिमल एंड काफी कूल, एंड डेफिनेटली कांट से द सेम फॉर प्राइसेस। और सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट थोड़ी छोटी है। स्किन के डिजाइन काफी यूनिक है यार, ये वाला हमें प्यारा लगा, सो इसी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। लेयर्स डन। फोन कौन सा है तेरा? पिक्सल 6। नाइस। डी ब्रांड अल्टरनेटिव गैजेट शील्ड डन करते हैं। वेबसाइट बहुत प्यारा है, इवन सर्च करने का ऑप्शन बहुत अच्छा है। स्किन्स की डिजाइन आपको ऐसा आउट ऑफ वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता, बट काफी मिनिमल और क्यूट से ऑप्शन है, हमें ये वाला भाया, इसी को लॉक किया। गैजेट शील्ड डन। ओके, केप्स इंडिया बचा लास्ट। तेरा कौन सा फोन है? Vivo V20 Pro। ओके, देखो यहाँ भी वेबसाइट काफी क्लीन सा लुक है, आई लाइक इट, इवन लेयर्स भी कंफर्म करेंगे इस चीज के ऊपर। ग्रे वाला बढ़िया लग रहा है। अच्छा, यहाँ वैसे 5 शेड्स ऑफ ग्रे है। व्हाट्सएप देख। ओके भाई, आर यू श्योर ये ग्रे? यहाँ पर भी डिवाइस मॉकअप्स मिल जाते हैं लाइव कंपैरिजन के लिए, बट डिजाइन आपको वही कॉमन वाले ही मिलते हैं और प्राइस आपको अच्छा खासा पे करना पड़ता है। बाय द वे, ऑर्डर डन। हाँ हेलो, अबे कैंसिल कर दे वो। क्यों? मेरा फोन वीवो V23 है। अच्छा, एक चीज कैंसिलेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग, जब तक ऑर्डर शिप नहीं होता यूजुअली अंडर 5 घंटे के अंदर आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा ये तीनों वेबसाइट दावा करती है एक्सेप्ट रैपकार्ट। मैंने सिर्फ केप्स इंडिया का ट्राई किया एंड इट वर्क्ड। सारे ऑर्डर डन। इसी से हमारे टेस्ट 1 के रिजल्ट ये हैं। नंबर ऑफ सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट में रैपकार्ट जिंदाबाद है, गैजेट शील्ड सेकंड आते हैं और लेयर्स और केप्स इंडिया के पास ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ सपोर्टेड डिवाइस है। ये सब ठीक है, बट मेन चीज पैसे कितने लगे। सबसे महंगा पड़ा केप्स इंडिया, ₹538। उसके बाद लेयर्स 499, ₹1 की टॉफी। फिर गैजेट शील्ड ₹447 एंड लास्ट रैपकार्ट ₹300। सो आई होप प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन जस्टिफाइड हो, बट इसके लिए मुझे तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ एडिटिंग। क्या भैया आ गए? ओके, गैजेट शील्ड और लेयर्स मेरी लोकेशन पे सबसे पहले पहुंचे 3rd दिन ऑर्डर के। एंड उसके नेक्स्ट डे आया केप्स इंडिया, एंड उसके भी नेक्स्ट डे आया रैप कार्ड। ओके, अनबॉक्सिंग डन। तो ये है फाइनल लुक सभी स्किन्स की जो भी हमने मंगाई थी, और लगाने से आता है इसको पूरा फोन पे लगाना एक छोटा सा टीडियस टास्क, जो कि फन पार्ट होगा अगर आप क्राफ्टिंग वगैरह पसंद करते हो, बट जेन्युइनली बता रहा हूं थोड़ा सा टीडियस टास्क है। स्पेशली ये रैप कार्ड वाला तो थोड़ी और ज्यादा मेहनत मांगता है, मुझे रफली अराउंड इतने मिनट लगे इनको इंस्टॉल करने में, तो यू गेट द पॉइंट। एंड ट्यूटोरियल गाइड की बात करें तो आप स्किन्स कहीं से भी खरीदो, बट गाइड फॉलो करो केप्स इंडिया की, जेन्युइनली उन्होंने बहुत अच्छे से बताया इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो ये फाइनल लुक फोन पे लगने के बाद। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो रैप कार्ड ही बस फुल बैक प्रोटेक्शन, कैमरा प्रोटेक्शन एंड इवन साइड फ्रेम प्रोटेक्शन के साथ आता है, बाकी सब बैक प्रोटेक्शन और कैमरा प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। इसका एज अ कंज्यूमर फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है कि फोन की साइड एज भी प्रोटेक्ट हो जाती है माइक्रो स्क्रैचेस के लिए, एंड इसका स्लाइट नुकसान यह है कि कितनी भी अच्छे से लगा लो एक परफेक्ट फिनिशिंग लुक नहीं आती, थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करती है जो पर्सनली मुझे थोड़ा सा एनॉय करता है। और स्किन्स की क्वालिटी की बात करूं तो ऑलमोस्ट सभी की सेम है, किसी में भी ग्लू वगैरह की चिपकन की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थिंग्स अब टेस्टिंग डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है, अब अलग अलग लोग इन चारों फोन को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज करेंगे फॉर 3 मंथ्स। तो 3 महीने बाद मिलते हैं विद सम रिजल्ट, होपफुली किसी का बुरी बातें नहीं सोचते।
सबसे पहली बात, मुबारक हो, कोई फोन नहीं टूटा, बट स्लाइड सा नुकसान हुआ है। कौन से सेक्शन में विस्तार में बात करेंगे, लेकिन अभी अच्छी चीजें अबाउट मोबाइल स्किन्स। देखो पर्सनली मुझे स्किन कूल तो लगते हैं, तो मेरे लिए तो बिग यस इसी वजह से था। एंड आप भी एग्री करोगे, एक ही डिजाइन लंबे समय देखकर बोर हो जाते हैं, तो ऐसे मौकों पर स्किन एक रिफ्रेशिंग लुक लेके आता है। नॉर्मली विदाउट कवर फोन अच्छे तो लगते हैं, बट हाथों से ज्यादा फिसलते हैं, तो उस वक्त ग्रिपिंग के भी काम आता है ये स्किन। और बैक पैनल पे ये गंदे फिंगरप्रिंट मुझे से भी छुटकारा दिलाते हैं। स्किन माइक्रो स्क्रैचेस से भी बचाते हैं, जैसे कि पिक्सल 6 से ये हमेशा विदाउट कवर यूज हुआ है। और इवन नथिंग फोन 1 जिसपे मैं शुरुआत से ही केस यूज कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे ग्लास पर ये साइड पैनल पे आपको थोड़े थोड़े से डस्ट के पार्टिकल्स दिखेंगे, परमानेंट वाले। अगर इन पे स्किन अप्लाई होती तो शायद ये नहीं होता। और इसका फायदा देखने को मिलता है जब मैं सेकंड हैंड इसे सेल कर रहा होता। स्किन से आप अपना टूटा बैक पैनल को भी प्यार से चिपका सकते हैं, बट प्यार से। ओके, पर्सनली टेस्टेड काफी लंबे समय तक बैक पैनल वाला ट्रिक, एंड इट वर्क्स। ओके, आओ दिखाता हूं 3 महीने बाद स्किन की कंडीशन क्या हुई है। अमेजिंग की सारी स्किन अभी तक होल्ड अप में है, बट लॉन्ग टर्म में मैंने स्लाइड कुछ प्रॉब्लम देखी। जैसे गौर करना गैजेट शील्ड पिक्सल 6 वाला स्लाइड, कैमरे के एजेस पे ग्लू थोड़ा लूज हो गया है। मैं कितना भी चिपका लूं ये नहीं चिपकता, बट रेस्ट ऑफ द स्किन फ्लॉलेस है। और रैप कार्ड का भी काइंड एजेस पर सेम हाल है, और वहीं पर केप्स इंडिया और लेयर्स का बिल्कुल जैसे लगाए थे अभी तक वैसे ही है। बेसिकली इसकी वजह ग्लू का गंदा या स्किन की क्वालिटी इशू नहीं है, वजह है बेसिकली फोन के फ्लैट एजेस। By the way, this is what I feel, and हमारी comparison list में ये दोनों फोन curved थे, और वहाँ कितना भी अच्छा glue दे दे कंपनी, जेब के अंदर बाहर में उनकी ऐसी तैसी हो ही जानी है। And sadly, gadget shield और wrap card के हिस्से में ये आया। तो इन बातों का मतलब ये निकला, अगर flat edges या slight curved type फोन है आपका, तो सोने पे सुहागा होगा, आपका फोन और स्किन का संबंध बहुत अटूट होगा, अदरवाइज इनके रिश्ते में थोड़ा खट्टापन आ सकता है। अब खट्टेपन की बात उठी तो फाइनल डाउन साइड की बात करते हैं, प्रोटेक्शन शून। जैसे स्किन 0.3 mm ऐड करता है फोन की थिकनेस में, सेम वही परसेंटेज है गिरने के वक्त प्रोटेक्शन की। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था इन चारों में एक ना एक तो टूटेगा इन 3 महीनों के अंतराल में, बट लकीली इतने बुरे भी नहीं है हम हैंडलिंग में। अच्छे से केयर रखने के बावजूद भी iPhone 12 को स्लाइट नुकसान हुआ है। लास्ट 1 साल 2 महीने में परफेक्ट कंडीशन में था, थैंक्स टू दिस मैजिकल बेसिकली केसेस, बट जब स्किन लगाया तो इसके लुक्स थोड़े बढ़ गए, बट सैडली यही फिसला फ्लोर पे, और फ्लोर ने इसे 3 जगह लव बाइट्स दी परमानेंट वाली। और बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये दाग महंगे हैं, क्योंकि 2-3 हजार जाएगा इसकी वैल्यू में से, बट स्टिल मैं लकी फील कर रहा हूँ कि ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ, मे बी दिस राउंडेड टेम्पर्ड की वजह से। सो इस वीडियो से हमने सीखा, यस मोबाइल स्किन लुक डोप, बट डेफिनेटली रिस्क भी है, बट पर्सनली मेरे को लगा कि उतना ज्यादा नहीं है अगर आप थोड़ा संभाल के यूज करते हो तो। 3 महीने टाइम पीरियड के बावजूद भी 75% कह सकते हो कि सक्सेस रेशियो रहा। भाई कुछ दिन हो गए, फोन तो नहीं टूटा। बात तो सही है भाई, लेकिन मैंने केयर से पूरा यूज किया है। चल फिर स्किन के पैसे निकाल, ले ले भाई। अरे रहने दे यार, वैसे मेरा सेम नंबर है UPI का। और आपको जहां पर ये तीनों चीजें जमती है आप वहां से परचेज कर सकते हैं, एज सच कोई ऐसा मेजर डाउनसाइड नहीं है। बट पर्सनली मेरी वोटिंग जाएगी लेयर्स को, उसके बाद केप्स इंडिया और गैजेट शील्ड, एंड उसके बाद रैप कार्ड। बाकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लेयर्स आपको बार बार तंग करेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के, उसके बाद केप्स इंडिया का सेकंड नंबर पर आएगा डिस्टर्बेंस में, और बाकी दो गैजेट शील्ड और रैप कार्ड आपको डिस्टर्ब नहीं करती नंबर लेने के बाद। एंड एक निंजा है जो आपने भी बहुत लोगों को देखा होगा, बट ऐसे मौकों पे प्लीज गौर करना फोन के टेम्परेचर पे, अगर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो रहा हो या फोन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वे में स्लो फील हो रहा हो, तो इन सबको उतारने में ऐसा एक मिनट देरी मत लगाना। बाकी एक सस्ता हैक भी है, ये ट्यूटोरियल फॉलो किया मैंने, 10 ही लगे थे। और मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आप किस गैंग में हो, केस या स्किन? आउच, ऑब्वियसली मोबाइल स्किन, कौन सा? बाकी छोटे फोन्स क्यों खत्म हो रहे, लेफ्ट वाली वीडियो, वरना कौन है बंदा जो शायद मेरा इंटरनेट हिस्ट्री जानता है, सारी राइट वाली वीडियो, वहां मिलता हूँ। और ये टी-शर्ट मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट करी थी, कह रहा था तेरे लिए बनी है, पता नहीं क्यों कह रहा था ऐसा।